बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमार हसन क्रिकेट यूट्यूब के उपर जी सारों बहुत ज़्यादा वेलकम। और जो दोस्त नवे आए हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, चैनल में सबसक्राइब जरूर करते जा। थोड़ी जी मुख्तसर गल करनी है, 3-4 मिनट की वीडियो होनी है, जरूर देखे, क्योंकि पाकिस्तान और वैसट इंडीज़ का मुकाबला जारी है। लेकिन असी पाकिस्तान और वैसट इंडीज़ के उपर भी जरूर गल करनी है, लेकिन उस तो अलावा अभी गल करनी है कि पाकिस्तान को आने वाले फ्यूचर के मसाइल का सामना वा। पाकिस्तान सीरीज से बिल्कुल जीत गया वा। उस तो पहले यार तुसी जड़े नवे लोग आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, मेहरबानी। गल करिए अगर पाकिस्तान ने वैसट इंडीज़ के खिलाफ बड़ी जबरदस्त सीरीज जीती और पाकिस्तान की रैंकिंग इस टाइम जी है कि 4th नंबर पर आ गया और इंडिया ने भी पीछे छड़ गया। खास तौर पर तारीफ की जाए बाबर आजम की, एक दफा फिर बाबर आजम ने साबित करता आउट क्लास इनिंग्स खेली है, तो मतलब कि पूरी सीरीज के विच। और उस तो अलावा अगर गल की जाए फखर अमाम नू मतलब के परची परची किया जाता सी, लेकिन उन्हें बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिता, बैट के नाल दिता, फिर सोशल मीडिया जाके गल्लां करके नहीं दिता, रन करके दिता। और यही एक प्लेयर की खूबी होंगी कि अगर थोड़े ते तनकीद होंगी है तुसी उन्हूं बैट के नाल रन करके जवाब दो, ना कि तुसी तुसी उहदे बराबर दे आके मतलब कि सोशल मीडिया से बयान जारी करन लग जाओ, ये गलत गल है। हुण गल करिए पाकिस्तान सीरीज से जीत गया, लेकिन मुश्किलात उन्होंने आने वाले दौर कि हो सकती है, वो मैं थोड़ी जी 2-3 रीज़न पेश कराँगा। एक तो है कि पाकिस्तान को ओपनिंग मेरा ख्याल है कि चलो ठीक है, फखर जमान है नाल मामूल हक है, मतलब ओपनिंग जोड़ी अच्छी है, लेकिन यह है कि फखर जमान थोड़ा जहा स्किप कर जाते हैं कंसिस्टेंसी के उपर, थोड़ा जहा उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी दिखानी पैनी है कि मतलब यह नहीं है कि तुम एक सीरीज के एक सेंचुरी कर ली तो उस बाद सारी सीरीज फ्लॉप होगी, ये जरा वा काम में खत्म हो जाना चाहिए। कम अज़ कम तुम एक अद्धी सेंचुरी करो, एक 50 करो, और बाकी 1-2 मैचों का ही फ्लॉप भी हो गया, कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि 3 मैच फ्लॉप हो गए, 1 मैच में 50 कर ली तो टीम के जगह पक्की। दूसरा यह है कि मिडल आर्डर पाकिस्तान का मतलब कि वन डाउन भी बाबर आजम आते ठीक है, और उसके बाद 2 डाउन उन्होंने इस टाइम पोजिशन रखी है जी मुहम्मद रिजवान की, अच्छा किया, क्योंकि मैं पहले भी यही किया, रवीज राजा ने भी यही किया कि मिडल ऑर्डर के थोड़ी जी जरूरत पैनी है, मुहम्मद रिजवान मतलब कि सिंगल डबल अच्छी कर लेंगे और पार्टनरशिप बिल्ड कर जाते हैं। उस तो बाद हूँ थोड़ा जहा मसला यह आता कि पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर इस टाइम बड़ी कमी महसूस हो रही है। मुहम्मद हारिस ने इन्होंने जरूर खिलाया, लेकिन मुहम्मद हारिस हले बहुत यंग आ, लेकिन हूँ मसला भी यही है कि यंग प्लेयर ही लभना पैना वा, क्योंकि पाकिस्तान को एक दौर के मुहम्मद यूसफ से, इंतमामुल हक से, यूनस खान से, उस तो बाद कामरान अकमल से, बड़ा जबरदस्त और तगड़ा किस्म का कह लो कि इन्हों का मिडल ऑर्डर होंगे, लेकिन उस तो बाद जिन्होंने गए हैं उस तो बाद पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं आया। यूनस खान तक भी काम चल गया, उस तो बाद मिसबाहुल हक आया, उदो भी काम चल गया, अजहर अली आया, लेकिन सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ही महदूद आ। हूँ इन्हों मसला यह है कि इन्होंने इस टाइम मिडल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए वा, जिदा मतलब आके इंडिया को युवराज सिंह से, महेंद्र सिंह धोनी आ जाते, पार्टनरशिप भी लाते, स्कोर भी मतलब 350 के उपर या 300+ कर जाते, जिस तरह आस्ट्रेलिया का 90 के दौर के माइकल बैवन से 50+ ही एवरेज से। ऐदा का कोई पाकिस्तान हूँ मिडल ऑर्डर बैट्समैन ऐसा लभना और तलाश करना चाहिए जरा अगे जाके अगर टीम को मुश्किल भी हो, पहले पावर ऑफ प्ले के मतलब कि 2 विकटा भी गिर जाए, लेकिन है कि 40 ओवर तक विकट से खड़ा रहे और मौजूद रहे, बड़ी कमी मैनू तो महसूस हुई, थानू नहीं हुई तो लहदा गल है, लेकिन यह है कि तुम कमिट करके जरूर दसना कि वाकई ही गल ठीक है या नहीं है, क्योंकि मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का थोड़ा जहा कमजोर आ, ओपनिंग भी ठीक है, वन डाउन भी ठीक है, 2 डाउन भी ठीक है, उस तो बाद आके पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर के 2 कम अज़ कम बंदे चाहिए, खास तौर पर क्योंकि बाबर आजम अपने जैसा बाबर आजम लभना पैना, मुहम्मद रिजवान को अपने जैसा एक मुहम्मद रिजवान लभना पैना, वह मतलब हल यह है कि मेरा ही ख्याल है कि मिडल ऑर्डर के शान मसूद को मौका दे सकते हैं, क्योंकि शान मसूद ने काउंटी क्रिकेट और उस तो बाद PSL बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस